मुझे आपने हमद की तरफ इशारा किया, तो हमद भी वो जो सबके जहन और दिल में शामिल हो गई है। बिल्कुल। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नात के भी चंद अशआर। हुजूर ऐसा कोई, सुभान अल्लाह, सुभान, इन सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान,
मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ दे बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतने खूबसूरत अंदाज में सबीउद्दीन सबी रहमानी ने अपना लिखा हुआ कलाम पेश किया कि नाजरीन ये इंटरव्यू जो है एक महफिल की शक्ल इख्तियार कर गया है। मिटा दिल से गमे ज़ादे सफर आहिस्ता आहिस्ता, मिटा दिल से गमे ज़ादे सफर आहिस्ता आहिस्ता, तसव्वुर में चला तैबा नगर आहिस्ता आहिस्ता, सभी उनकी सना और तू के जैसे बर्फ की कश्ती, सभी उनकी सना और तू के जैसे बर्फ की कश्ती, करे सूरज की जानिब तय सफर आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे खूबसूरत अशार के खालिक जनाब सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साहबजादे भी यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे तारुफ कराते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बेटा आप अपना नाम बताइए। एमन सभी। एमन नाम है आपका माशाल्लाह। और आप बेटा आपका क्या नाम है? सैयद मोहम्मद ताबिश सभी। सैयद मोहम्मद ताबिश सभी। और आपका नाम? सरमद सभी। सरमद सभी। सरमद आप क्या करते हैं, मतलब पढ़ाई में आप इस वक्त माशाल्लाह किस उस पर हैं, कौन सी आपकी फील्ड है? मैं सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। और आप ताबिश? जी मैं नाइन्थ क्लास में हूँ। अच्छा। ग्रामर स्कूल से। अच्छा साइंस ग्रुप से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। जी क्या इरादे हैं मुस्तकबिल में? जी मैं भी अपने भाई को ही फॉलो करूंगा फिलहाल तो। अच्छा प्री इंजीनियरिंग लेंगे मतलब। जी माशाल्लाह। एमन बेटा आप कौन सी क्लास में है? मैं सिक्स क्लास में हूँ। सिक्स क्लास में है। अच्छा ये बताइए आपसे सबसे मैं अलग अलग पूछूंगा, अब्बू किस तरह कैसे कैसे नातवां लगते हैं आपको, कैसी नात पढ़ते हैं, अच्छी नात पढ़ते हैं या आप भी इनसे बेहतर किसी और को समझते हैं उनको सुनते हैं, किन को सुनते हैं आप नातवानी में? अब्बू की आवाज मतलब कभी कभी सुन के अच्छी लगती है, कभी कभी जब थोड़ा बहुत क्लासिकल पे जोर देते हैं अपनी तो मतलब हैरत होती है सुन के। अब्बू की नात को भी हम लोग भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ताबिश वगैरह भी, तो बस कभी कभी ये बेस्ट होते हैं तो इनसे अच्छा कोई नहीं होता। वेरी गुड वेरी, बहुत अच्छी राय दी आपने। और आप क्या कहेंगे कि अब्बू को आप कैसा समझते हैं, कि बहुत अच्छे नातवा हैं या बस सो हैं, क्या कैसा पाया आपने? ये ऑब्वियसली अब्बू बहुत अच्छे नातवा हैं, जब भी घर में कोई भी नात गुनगुना रहे होते हैं पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त। अच्छा ये बताइए बेटा आप एमन आप बताइए कि आपने अब्बू को देखा, आप नातवा तो सही है दुनिया कहती है सबसे अच्छे, अब्बू कैसे हैं? अच्छे प्यार करते हैं आप है ना। अच्छा ये बताइए कि जब ये तो बहुत बिजी आदमी है बहुत मसरूफ हैं, कभी पाकिस्तान में भी शहर से बाहर भी होते हैं पाकिस्तान से भी बाहर होते हैं, तो आप लोग मिस करते हैं अब्बू को? जी। तो फिर टेलीफोन पे कहते हो अब्बू जल्दी से आ जाए हमारा दिल नहीं लग रहा आपके पास, ऐसा होता है? अच्छा तो आप में से ये बताइए कि अब्बू को देखकर किन आप में से तीनों में से किसको नात का शौक हुआ और कोई ये चाहता है कि अब्बू की फील्ड वो इख्तियार करें, नात खानी की तरफ आए? नात गोई की तरफ तो हम अभी इसलिए नहीं बात करेंगे, आप लोग भी माशाल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं, तो नात खानी की तरफ किसका रुझान है आप तीनों में से? अब्बू को देख के तो तीनों इंस्पायर होते हैं और मतलब नात पढ़ने का शौक होता है, लेकिन जो नुमाया उन तीनों में है वो ताबिश है, तो ये अच्छी माशाल्लाह से पढ़ लेता है नात और उसकी आवाज। यानी आप अपने आप को बरिज़ुमा क्यों कर रहे हैं इससे? नहीं सरमद आप माशाल्लाह मैंने आपको बचपन में सुना है कि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, लेकिन अब ना पढ़ता हूँ ये अलग बात है,
लेकिन ताबिश का तो मुझे पता है कि ताबिश पढ़ते हैं और ताबिश यकीनन हमारे नाजरीन के लिए भी नात पेश करेंगे। बेटा ऐमन, आपको नात का शौक नहीं हुआ? और हमें तो ये भी पता है कि भाभी साहिबा भी माशाल्लाह नात का जौक रखती हैं, अब्बू भी रखते हैं, अम्मी भी रखती हैं, तो आप में ये चीज मौजूद नहीं है? ज्यादा नहीं, मतलब मुस्तकबिल में इम्कान है कि आप गुनगुनाती है अलहदगी में? अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, हम चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए ताबिश आप कुछ अशार पेश करें, ताकि हमारे नाजरीन को ये पता चल जाए कि हम जिस नातवां के घर पे बैठे हैं उन्होंने न सिर्फ दूसरे लोगों को नातवां बना दिया बल्कि उनके घर में भी नात का माहौल मौजूद है।